एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता भी सरकार की परियोजनाओं का शुभारंभ करने में लगे हुए हैं। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के चंदावली गांव में एक अस्पताल का लोकार्पण किया और इसके बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के सेक्टर 2 में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने 62 लाख की लागत से बनने वाले पार्क और RMC रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 62 लाख के विकास कार्य 5 फरवरी तक पूरे कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आम लोगों को काफी फायदा होगा। सबसे पहले चंदावली गांव का हॉस्पिटल का उसका उद्घाटन करा है और 65 लाख की लागत से सेक्टर 2 के पार्क है और सड़कों के आरंभिक इसकी शुरुआत करी है। जो सेक्टर 2 किस पॉकेट के हैं 160 गज 100 गज 65 लोग, ये सब कुछ 40 साल के लिए सड़क बना रहे हैं, 40 साल तक सड़क टूटेगी नहीं, पार्क सुंदर बनेगा, यहाँ पार्कों में लोग बच्चे खेलेंगे और हॉस्टल ग्रामीण आंचल के लिए जो चंदावली ग्रामीण पंचायत में केंद्र के वक्त सरपंच गुर्जर नयनपाल रावत उसका उद्घाटन करके हम दिया। वहीं 26 जनवरी को होने वाले सरकार के कार्यक्रमों को लेकर मंत्री ने कहा कि किसान खुद समझदार हैं, वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि देश के गौरव पर कोई आंच आए। 26 जनवरी हमारे लिए गर्व का दिन है। किसान समझदार है, खुद समझदार है, किसान समझे हैं। 26 जनवरी देश के पर्व को बनाएंगे मिलकर। पक्ष की दुकान बंद है, 74 साल देश पर राज करा है, अपने राज मिलना नहीं, 74 साल जो लोगों को बेवकूफ बनाया उनकी दुकान खुलने वाली बंद होने लगी। एक तरफ किसान जहां 26 जनवरी को दिल्ली की परेड में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष पर निशाना साध रहा है कि विपक्ष किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई किसान 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे हैं या फिर इससे पहले कि सरकार और किसानों के बीच सहमति बन जाएगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।